कथित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दलित वजीफा घोटाला मामले च कौमी एससी कमीशन ने पंजाब दे चीफ सकत्तर नूं दिल्ली तलब कर लिया। जी हाँ, 17 जून नूं एक्शन टेकन रिपोर्ट सने कि आखिरकार इस मामले च की एक्शन लिता गया। एक्शन टेकन रिपोर्ट सने दिल्ली आने के आदेश दे दिते ने। 3 वार नोटिस भेजन के बावजूद सूबा सरकार वालों जवाब ना देण ते इह कार्रवाई अमल च लियांदी गई है। समाजक न्याय मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ते 55 करोड़ रुपए के घपले के इल्जाम लगे से। उस तो बाद धर्मसोत के महकमे के अडिशनल चीफ सकत्तर की रिपोर्ट च यह खुलासा होया सी, सारिया गल्लां सामने आईया सी, तां हुण यह मामला भखदा विखाई दे रहा है। एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दईए, दिल्ली दरबारे तलब की गई है एक्शन टेकन रिपोर्ट। पंजाब सरकार वालों जांच के लिए बनाए गए 3 मैंबरी कमेटी ने धर्मसोत को क्लीन चिट भावें दे दी सी, पर यह मामला फिलहाल शांत होंदा विखाई नहीं दे रहा। मुड़ तो तुहानूं दस दईए, 17 जून को एक्शन टेकन रिपोर्ट सने दिल्ली आने के आदेश दे दिए गए हैं। कौमी एससी कमीशन ने पंजाब के चीफ सकत्तर को एक्शन टेकन रिपोर्ट सने तलब किया है। वेखना होगा कि 1 करोड़ रुपए का कथित घोटाला आखिरकार किस किस नूं लै डुबदा। पंजाब दलित भाईचारे के विद्यार्थियों के वजीफे का मुद्दा लंबे समय तो जड़ा कई पासे घूम रहा है, और एक पासे दोष लग रहे हैं भी पंजाब सरकार दबी बैठी है, एक पासे जड़े प्राइवेट कॉलेजों के प्रबंधक ने वो ये धमकी दे रहे हैं भी अं रोल नंबर नहीं देवे जिन्ना चे सू राशि ना मिली। और पंजाब सरकार अपने मोढ़िया तो गल सुट के कह रही है भी सानू तो केंद्र तो पैसे नहीं मिले। सारे विचकार एससी कमीशन जिहड़ा कौमी पद्धर दा उहदे चेयरमैन विजय सांपला जिहड़े उन्होंने बहुत वड्डा कदम चुक्या, और पंजाब दी मुख सकत्तर ते दो जिहड़े संबंधित अधिकारी ने उन्हां नूं तलब किया, नोटिस दिता है भी इहदा जवाब दिता जाए 17 तारीख नूं। साडे नाल ने सांपला जी, सांपला जी इन्ना वड्डा कदम क्यों चुकना पिया? असीं दोनों सरकारां नूं ही नोटिस जारी किया, केंद्र नूं भी पंजाब नूं भी, दोनों नूं कहा कि भी आपो अपनी रिपोर्ट दिओ, अदरवाइज तो लड़ाई नहीं मुकेगी। केंद्र सूबे वाल सिटी जाएगा, सूबा केंद्र वाल सिटी जाएगा, इहदा राजनीतिकरण हुंदा जाएगा। तो क्योंकि इहदे च तथ्य की है, और इस करके असीं जिहड़ा चीफ सैकटरी कोलों रिपोर्ट बनाने मंगाई है, और उधरों भी जिहड़े सैकटरी सी उन्होंने केंद्र ने अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वह भेज दित्ती है। केंद्र ने सरकार ने कहा कि असीं अज तक यानी साल 2020-21 का इस साल का भी सारा पैसा असीं क्लीयर A to Z पंजाब सरकार नूं देता दे चुके हैं जिन्ना भी बनता सी, क्योंकि इस स्कीम के तहत 2012 के इना दी 60 करोड़ सी, और 60 करोड़ तो उपरला पैसा केंद्र ने देना सी। 2007 के शुरू हुई सी जड़ी 12 तक इन्हों की लाइबिलिटी 60 करोड़ सी, 60 तो बाद जड़ी सी 17 तक वो चलनी सी, 17 के यानी 5 साल बाद इहदा रिव्यू होना सी, जिनी उन्हों की 5 साल बाद डिमांड सी वो उन्हों की कमिटेड लाइबिलिटी बन जानी सी, उन्नी जानी उन्ना पे जिहड़ा सूबा ने करना, यानी 12 च उन्हों की 60 सी, और इन्हों की जी 17 च डिमांड आई वह 788 करोड़ सी। भाव वह 788 करोड़ तो वध जिहड़ा पैसा सी वह केंद्र सरकार ने देना सी, पर क्योंकि वह एक बहुत वड्डी पहाड़ जिनी रकम कट्ठी हो गई सी, इन्नी हकीकत तां जो असी पहला भी शोर मचदा सी कि वह उन्नी बनती नहीं सी जिनी इतों डिमांड की गई। कई घोटाले भी आए गए, खैर अज की डेट मैं इस उत्ते नहीं जावांगा, पर वह जी जो 17 तक जोड़ा 788 करोड़ तक की डिमांड आई सी, वो सारी की सारी सेंटर गवर्नमेंट ने पे करती। वो जोड़ा सी 17-18 तो 18-19 तो 19-20 ये उन्होंने जी केंद्र ने लिख के भेजा कि 17-18 तो 18-19 की जी डिमांड सी वो इन्हों की कमिटेड लाइबिलिटी तो थले सी लैस सी, और उस तो उपर होंगी तो साडा हिस्सा बनना सी, इस करके साडा हिस्सा नहीं सीगा। और 19-20 सूबा सरकार ने साडे कोलों इहदे ते कोई प्रपोजल ही नहीं भेजी, यह भी लिखिया उन्होंने डिमांड ही नहीं यह लिख के आई है रिपोर्ट कि उन्होंने जी 17-18, 18-19 दे विच इन्हां दा हिस्सा बनता नहीं सी, सारा पंजाब दा ही दे बनता सी, और 19-20 दे विच इन्होंने कोई प्रपोजल नहीं भेजी, भाव वह भी उदों तो घट होएगी। हुण की आ गया कि 20-21 दे विच स्कीम नवीं आ गई, 60% जिहड़ा सी, क्योंकि चलनी तो वैसे 17 तो 22 तक सी स्कीम, तो 22 तो अगस्त 27 रूटीन चलती रहनी सी। ये स्कीम जी है सरदार मनमोहन सिंह जी की जी सरकार सी UPA की जी उस सरकार च बनी सी, उन्हां वल्लों शुरू की गई सी, और इन बिन उदां ही चलती रही। हुण अगे आ गया कि इस सरकार दे विच जिहड़ा 20-21 दा सी
ये डिमांड बनी है 382 करोड़ रुपए की, जिहड़ी पंजाब सरकार ने डिमांड बनाई है वो टोटल डिमांड जिहड़ी है वो 382 करोड़ की है, और ये 229.20 करोड़ रुपया वो सेंटर का हिस्सा बनता सी, 152.20 करोड़ रुपया वो सूबे का हिस्सा बनता सी। पहले तो यही एक चिंता का विषय है कि पहला 788 करोड़ का बजट से हुण वधना चाहिए सी, स्टूडेंट भी वधने चाहिए सी, फीसा भी वधिया होनी, हुण 382 क्यों आया, क्योंकि ये जिहड़ा ड्रॉप या एडमिशन नहीं हुई ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 140.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ 229.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 140.36 ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੇਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 88.84 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਵ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ 60% ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60% ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਲਝਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1650 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਐਡ ਈਟੀਟੀ ਆਦਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਜਿਹੜਾ 1549 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 60% ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਆਪਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ।